नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक वरिष्ठ नागरिक श्री ओपी उम्मट जी के घर के ऊपर आया। आपकी उम्र 92 प्लस है और पंजाब नेशनल बैंक से रिटायर हुए हैं। इनकी पर्सनैलिटी देख के बहुत प्रभावित हुआ और दिल किया कि इनसे कुछ मन की बात जानूं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। मैं आपसे दो तीन बातों के ऊपर बात करना चाह रहा हूँ कि आप बैंक के अंदर कब लगे थे? मैं बैंक में 2 अक्टूबर 1945 को ज्वाइन किया था। अरे वाह। गुड़मंडी पटियाला ब्रांच में। तो आप की जब पेंशन हुई, रिटायर हुए, तो आपकी पेंशन कितनी लगी? जब मैं रिटायर हुआ तो पेंशन नहीं थी। पेंशन नहीं थी? हाँ, आई रिटायर्ड इन 1989, तो उस समय पेंशन नहीं थी। हाँ जी। कुछ हम स्ट्रगल कर रहे थे उस समय भी कि पेंशन होनी चाहिए, तो सरदार मनमोहन सिंह जी एक्स प्राइम मिनिस्टर, उनसे भी मिले थे। उनसे हमने रिक्वेस्ट की, श्री पवन बंसल थे जो कांग्रेस के यहाँ नेता थे, उन्होंने हमें मिलवाया। हमने उनसे अर्ज की कि जी हमारी पेंशन हमारी होनी चाहिए। सो मैं तो उनको बड़ी दुआएं देता हूं कि उन्होंने पेंशन हमारे बैंक में शुरू करवा दी थी, जिसकी वजह से हमें पेंशन मिलनी शुरू हो गई। मगर हमारी जो पेंशन थी उस समय बहुत कम थी, मगर सानू ये नहीं पता था कि भी हमारी पेंशन हमें बहुत ज़रूर आगे जाके पड़ेगी। कोशिश करते रहे हम कि भी, मगर जो हमारे वर्किंग ऑफिसर या एम्प्लॉइज थे, उन्होंने हमें ये कहते रहे कि जी हाँ जी होगा, जी हाँ जी होगा, मगर उन्होंने हमारी मदद करने की कहीं भी कोशिश नहीं की, बल्कि स्टैब करने की कोशिश की। जिसकी मैं बात पूछना चाहता था कि उस समय आपकी पेंशन कितनी थी, अंदाज़ा अगर आपको याद हो तो? हाँ, मेरा 4,500 के करीब। 4,500। और आज आपको इतने साल की सेवा करने के बाद, 40-45 साल आपने सेवा की बैंक की, तो आज कितनी पेंशन मिलती है? मेरे को 26,700। 26,000 रुपये के आसपास मिलती है। तो पेंशन अपडेशन के ऊपर आपको क्या, आपके क्या विचार? पेंशन अपडेशन के लिए मैंने शुरू से ही एसोसिएशन में मैं प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी रहा हूँ, जब से रिटायर हुआ हूँ, और जब से कोशिश कर रहे हैं हम कि भी हमारा जो है वेतन पेंशन बढ़नी चाहिए, जिसके लिए हमने बहुत दिलो जान से कोशिश की, बहुत स्ट्रगल की, और ऐसा लगता था कि शायद हो भी जाए, मगर कुछ नहीं अभी तक हो पाया। रादर हमारे जो रिटायर अब हो रहे हैं, इवन क्लर्क भी, वो हमारे से ज़्यादा पेंशन ले रहे हैं, और महंगाई इतनी हो गई है कि पेंशन उसके मुताबिक हमें मिल नहीं रही। पेंशन के लिए अब भी यहाँ की जो हमारे PNB रिटायर्ड एम्प्लॉइज़ की एसोसिएशन है, वो हमने बड़ी मेहनत से सारे इकट्ठे किए, 450 मेंबर हैं इस समय। अब मुझे याद आ रहा है कि आपने कोई सुप्रीम कोर्ट में भी पेंशन अपडेशन, सुप्रीम कोर्ट में भी हमने एप्लीकेशन डाली थी। फिर उसका क्या हुआ? उसको भी, बल्कि मैंने ही सिंगला जी को लाइमलाइट में लाया था कि यस ही इज द पर्सन हु कैन डू दिस थिंग, मगर उनके जाने के बाद वो जरा हो गई। हाँ, वो गुजर गए, गुजर गए। हाँ, इसलिए वो मेरा इतना प्रसू नहीं हो रहा केस जितना कि उन्होंने मेहनत करके किया था। अब वी आर नाउ स्ट्रगलिंग फ्रॉम वन पिलर टू अदर पोस्ट पिलर, जा रहे हैं, कभी MP के पास जा रहे हैं, उस समय हमें बस वो सबल बाग दिखा देते हैं, मगर अभी तक कुछ हमारे पास नहीं मिला, और हमारी हालत जो है बहुत ख़राब हो रही है इस महंगाई की वजह से। ये तो पेंशन अपडेशन की बात थी कि पेंशन अपडेशन नहीं हो पाई 1995 के बाद, बिल्कुल नहीं हुई। और ये जो मेडिकल इंश्योरेंस है, मेडिकल इंश्योरेंस भी 5,000-6,000 से शुरू हुई थी, अब 35,000 तक पहुंच गई, 6-7 गुना, ये 5 गुना तो बढ़ी गई है, मेरा ख्याल है 5-6 गुना ये बढ़ चुकी है। सबसे बड़ी बात है कि अपने पेंशनर्स हैं जो हैं, उनको देखो, अब मेरी अपने पास से देना पड़ता है जेब से। देखो, मेरी पेंशन जितनी मैंने आपको बताया,
25,000-26,000 के करीब है, तो उसमें से 35,000 मेरा इंश्योरेंस मैंने मेरे को देना पड़ा। 35,000 कैसे देंगे, बहुत दिक्कत है। बहुत दिक्कत है मेरी तो अलग रही है, जो फैमिली पेंशन में रिटायर हुए हैं, जो इस समय फैमिली पेंशन ले रहे हैं, उनकी पेंशन सारी 5-10 हजार है। ओ, ओ, ओ। और उनको कहते हैं कि जी 35,000 तो आप ये दो इंश्योरेंस, वो बेचारे कहाँ से दें, उनकी हालत तो बहुत खराब है। मैं तो चलो फिर भी समझता हूँ कि एक महीने की तनख्वाह में 10,000 और डाल के दे दिया, मगर उनकी जब मैं देखता हूँ तो मेरे को बहुत दुख होता है। और उनकी पेंशन के लिए भी कई दफा बात हुई है, मगर हो कुछ नहीं रहा। हमारा डीएनएस अलाउंस भी हमारा बहुत कम है, 100% डीएन होना चाहिए, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट में हमारी एसोसिएशन गई, मगर हमें पूरा यकीन था, मगर वहाँ भी हमारा तो अदालतों में भी तो डेट पे डेट वो डलती रही। कितने लोग हमारे के नम इस दुनिया से ही चले गए, बहुत चले गए, अब तो रही थोड़े गए। जैसे सिंगला जी का ही जिक्र ले, हाँ, सिंगला जी उन्होंने, और बहुत लोग चले गए इसी इंतजार में कि भी हमें शायद कुछ मिल जाए, मगर कुछ नहीं मिल पाया। देखो जी, मैं रिटायर हुआ 1989 में, उस समय हमारा बैंक और भी बैंकिंग इतनी अच्छी चल रही थी कि कुछ कहने की बात नहीं, एंड वी वर वेरी प्राउड ऑफ आवर बैंक, और प्रॉफिटिंग जो इतना था उस समय हमारा बहुत ही मन खुश था कि भी। और मैंने जब रिटायर हुआ मैंने कहा कि मैं फिर भी हम देखते रहा करेंगे एज ए एम्बेसडर बैंक के, कि हमारे बैंक में अब क्या हो रहा है। तो हमारी अगर वो फ्रॉम क्लर्क टू असिस्टेंट जनरल मैनेजर प्रमोशन हुई तो मैं बैंक का शुक्रगुजार हूँ, मगर एट द सेम टाइम हम गवर्नमेंट से जो एक्सपेक्ट करते थे कि इतनी सेवा करी हमने, लोन दिए, जितने गवर्नमेंट की जो भी प्रायोरिटीज थे वो सारे बजट पूरे करते थे, इवन सोशल सेक्टर में भी जाके हमने बहुत काम किया। एक छोटी सी मिसाल दसदा, मैं बल्कि मैनेजर से अपने रिक्वेस्ट करता था एज ए रीजनल मैनेजर कि यार ये तो जो हमारे पास आ जाते हैं गवर्नमेंट के स्पॉन्सर्ड, ये तो अलग हैं, मगर हम कई दफ़ा ऐसा होता है कि जाते जाते देखते हैं घर में झगड़ा हो रहा है कि मैं खाना कहाँ से बनाऊँ, पैसे तो है नहीं। अगर आप कोई ऐसे ढूंढो और उनको लोन दो तो मेरा ख्याल है हम बहुत खुशी होगी, एक तो भगवान के घर में भी और एक अपने यहाँ भी, किसी की हेल्प कर देंगे हम। तो एक मैनेजर थे हमारे एनसी जैन, वो रिटायर हो गए अब तो है जनरल मैनेजर, उन्होंने मेरे ख्याल कुराली में एक फंक्शन किया जिसमें सारे जो अपाहज थे उनका फंक्शन किया और वो बड़ा सक्सेसफुल हुआ। किसी ने भेड़ ली, किसी ने घोड़ा तांगा लिया, किसी ने, इतना अच्छा प्रोग्राम था कि वो उसके बाद मेरे पास वेलफेयर गवर्नमेंट के पंजाब सेंटर के वो आदमी आए मेरे पास, कहते जी आपने वो फंक्शन किया। मैंने कहा हाँ जी फंक्शन किया हमने, तो आपने हमें नहीं बताया। मैंने कहा जी कोई ऐसा मैं ऑर्डर है नहीं मैंडेटरी कि मैं आपको बताता। कहता जी ये तो बड़ा गलत हो गया, हमें बहुत झाड़ पड़ी, क्योंकि ये जो डिपार्टमेंट है वेलफेयर का ये पीएम के अंडर है। उन्होंने हमसे पूछा कि भी आपको पता नहीं कैसे हुआ, तो हमारे फिर पीएम ने चेयरमैन को लेटर लिखी कि इतना अच्छा काम वहाँ हुआ है, उन्होंने मेरे पास एप्रिसिएशन की लेटर भेजी। सो ऐसे काम हम कर रहे थे सोशल वर्क के, मगर फिर भी जब हम इतनी सेवा कर रहे थे हम भी एक्सपेक्ट करते हैं कि जी हमारे लिए फ्रूट नहीं मिला, फ्रूट मिलना चाहिए था। दर्द यही है जी कि इस महंगाई में हमसे पुल ऑन नहीं हो रही, हमारी फैमिली की जो रिक्वायरमेंट्स हैं जो होनी चाहिए हमारे पास वो नहीं है, और वो इसी से होंगी कि अगर हमारी पेंशन जैसे गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की होती है और अदारों में हो रही है, वो हर साल हर 5 साल के बाद रिवीजन होती है, मगर हमें हमने ऐसा कौन सा गुनाह किया कि हमारी नहीं हो रही, हमारी होनी चाहिए। ये एक छोटी सी मुलाकात थी उमर जी से, इनसे हम डिटेल में भी बात करेंगे। इनकी एक डिमांड है सरकार से कि इस एज के अंदर इनकी ऐसी एज नहीं है कि ये कोर्टों के अंदर जाएं, सुप्रीम कोर्ट में जाएं, हाई कोर्ट में जाएं, वहां ये खर्चा करें और परेशान हो रहे हैं ये लोग।
तो सरकार से निवेदन है मेरा कि इनके बाद पूछना चाह रहा हूँ कि पेंशन अपडेशन हो, फैमिली पेंशन बढ़े, और जो मेडिकल इंश्योरेंस है वो बैंक पे करे, ना कि ये खुद करें। धन्यवाद।